Hello everyone, class 7th. Hope you all are good. Okay. The topic for today is a poem titled The Squirrel. It is written by Mildred Powers Armstrong. As the title suggests, in this poem, we are going to talk about a squirrel. Squirrel is a very lovely and beautiful animal. It has a bushy tail and furry. These are animals very playful and fun-loving. They keep it on running here and there, isn't it? Okay. So, in this short and beautiful poem, we get description of a squirrel by the poet from the point of view of a child. इस छोटी और सुंदर सी पोयम में हम स्क्विरल के बारे में जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है. मीन्स पोएट ने इस पोयम में जो भी स्क्विरल के बारे में बताया है वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है कि अगर एक बच्चा स्क्विरल को के बारे में डिस्क्राइब करेगा तो वो किस तरह से करेगा. ओके देन सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द पोयम. स्टार्टिंग में पोयम के दिया हुआ है, यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड Eating a nut. आपने स्क्विरल को कई बार ग्राउंड्स में पार्क्स में नट्स खाते हुए देखा होगा. What did it look like? तो ये किस तरह से दिखती है? Here is a poet's description of just such a squirrel. तो यहाँ पे poet का description इसी तरह का कुछ squirrel के बारे में दिया हुआ है. Start करते हैं. He wore a question mark for tail. Means, इसमें कहा गया है या एक बच्चा कहता है कि मुझे स्क्विरल की जो टेल है वो इस तरह से लगती है जैसे कोई क्वेश्चन मार्क हो. एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और ऐसा लगता है जैसे उसने अपने ऊपर कोई ग्रे कलर का कोट पहना हुआ हो. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, वो नट खाने के लिए नट्स वगैरह ईट करने के लिए खाने के लिए ट्रीज पे एकदम स्ट्रेट बैठती है. और ऐसा लगता है ही लाइक टू टीज एंड प्ले, कि वो हमें चिड़ा चिड़ा के खा रही हो और वो खेल प्ले मतलब खेलते हुए खा रही हो, मजे से बड़ा मजे ले लेके वो नट्स को खाती है. एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उस ट्री के आसपास जाते हैं, He went the other way. वो किसी और रास्ते पे चली जाती है, भाग जाती है, तोड़ जाती है. इसी तरह की होती है ना स्क्विरल. Yes. तो ये एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी पोयम थी जो मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है. बच्चों, आपको पोयम्स के जो पोएट होते हैं उनके नेम्स लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम्स में कंप्रिहेंशन में आपकी पोयम आती है तो ये वाला ये क्वेश्चन जरूर आता है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम. तो इट इज कंपल्सरी टू लर्न द नेम ऑफ द पोएट. ओके.